गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का सब्जेक्ट हमारा विज्ञान होगा, जो कि असेसमेंट मार्कशीट नंबर 13 है और ये 27 दिसंबर 2021 के लिए है। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, दो सेक्शन में है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते। भाग फर्स्ट में हम देखते हैं एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, तो ये कौन सा है? तो ये क्लोरीन है, ठीक है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस आवर्त का है? तो ये डियर स्टूडेंट ये 17 आवर्त का, ठीक है। और निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? तो इसमें जो है ना फ्लोरीन के साथ, यानी क्लोरीन का जो है ना क्या फ्लोरीन के साथ इसकी समानता होगी, तो इसमें जो फ्लोरीन का के साथ समानता होगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई। यह तत्व 3 आवर्त का है, ठीक है, और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7 है, ठीक है। और बाहरी कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी रासायनिक समानता ऊपर दिए गए परमाणु से होगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणु 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के 15 के तत्व के है, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा इनमें से कौन सा तत्व तो अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा और क्यों? तो N2, 4, 2, 8, 5 इसमें नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होती है क्योंकि आकार बढ़ता है, ठीक है। थर्ड है आवर्ती आवर्त सारणी में 3 तत्व ABCD की निम्न में से निम्न प्रकार के हैं, ठीक है। तो क्या यह धातु है या अधातु? तो यह क्या है, धातु है, अधातु है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है, तो सी कम क्रियाशील होगा, ठीक है। क्या सी का आकार बी से बड़ा होगा? तो सी का आकार बी से छोटा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसमें जो कुछ और प्रश्न हैं, आधुनिक आवर्त सारणी व मेंडेलिक की आवर्त सारणी में अंतर बताइए। तो आधुनिक मेंडेलिक की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी, यानी मेंडेलिक के तहत परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडेलिक की आवर्त सारणी इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ना अक्रिय गैस का स्थान है, जो कि ग्रुप 18 का है, ठीक है। इसमें कुल 6 आवर्त एक एवं 8 समूह हैं, जबकि इसमें 7 आवर्त एवं 18 समूह हैं। और यह मेंडेलिक की आवर्त सारणी यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी यह दीर्घ रूप है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे में तत्व के परमाणु साइज धात्विक गुणों तथा अधात्विक गुणों में परिवर्तन को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए बाएं से दाएं जाने पर जो है ना परमाणु साइज आकार घटता है, ठीक है, और धात्विक गुण क्या होता है कम होता है, इस ये भी कम होता है लेकिन अधात्विक गुण बढ़ता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज का आकार बढ़ता है, राइट, उसका धात्विक गुण अधिक होता है और अधात्विक गुण कम होता है, ठीक है। तो लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसे ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।